देखिए मैं किचन में खाना बना ली और दूध को भी उबाल ली हूँ, और दूध को उबालने के बाद उसे गुनगुना कर दी हूँ। ना ज़्यादा ठंडा रहेगा और ना ज़्यादा गर्म। और उसमें हाफ नींबू को निचोड़ के पीने से पेट साफ होते हैं, पेट के सारे बीमारी दूर होते हैं, अगर कब्ज है तो वो भी दूर होते हैं। ऐसा आप करके देखिए, गारंटी से कब्ज दूर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने पाम का पौधा लगाया है जो वातावरण को शुद्ध भी रखेगा और हमारे गैलरी को एट्रैक्टिव भी बनाएगा। ये बाल्टी है ना, इस बाल्टी में पुराने बाल्टी थे तो इसमें मैं पेपर से रैप कर दी हूँ कि गमले जैसे अच्छे डेकोर में लगने लगे। और इसे रंगने से अच्छा मैंने इसे पेपर से रैप करना सोचा, क्योंकि पेपर 2-2.5 रुपये में आते हैं, पेंट लाओ फिर उसको रंगो, कॉस्टली पड़ जाएंगे। और ये भी ज़्यादा देखने में अच्छे लग रहे हैं और हमारे गैलरी भी देखने में अच्छे लग रहे हैं, और पौधे वातावरण को शुद्ध रखेंगे, ये ऑक्सीजन भी देंगे। तो इसलिए मैंने गैलरी में इस पौधे को लगाया है डेकोरेटेड के लिए। और अब मेरे बर्तन भी धुल गए, और बर्तन धुलने के बाद मैं इसे किचन में एडजस्ट कर दूंगी। और किचन में एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आकर के इस गैलरी की भी सफाई कर दूंगी। बर्तन मैं इसी जगह पर धोती हूँ, सुबह में तो मैं इसी जगह पर धोती हूँ, शाम में ठंड के मौसम में, रात के टाइम में मैं किचन में साफ कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ ब्रश से भी रगड़ दी हूँ, ब्रश से रगड़ देती हूँ तो इससे यहाँ पर अच्छी तरह से सफाई हो जाते हैं, क्योंकि जो बर्तन धो या कपड़ा धो तो उसके पानी और सर्फ होते हैं ना, वो इसमें जम जाते हैं, तो इसे रगड़ने से साफ हो जाते हैं। और अब मैं बर्तन को धोने के बाद यहाँ घर को भी पोछ लूँगी। घर को मैं पोछती हूँ वाइपर में कपड़ा लगा करके। और सारे घर को पोछने के बाद मैं फिर स्नान कर लूँगी, हमारे दोपहर के काम ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपसे मिलती हूँ, आती हूँ नहा कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आप सबका खूब खूब स्वागत है। और यहाँ पर देखिए दोपहर के सारे काम निमट गए, अब शाम हो चुके हैं और शाम को मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो इन लोगों ने कहा कि मम्मी आज मैगी बनाओ, तो मैं मैगी को बनाऊंगी। और बोला कि मम्मी ब्रोकली डाल के मैगी बनाओ, तो मैं ब्रोकली को डाल के मैगी बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया और उसमें तेल थोड़ा सा डाल दिया, और आलू गाजर प्याज और हरी मिर्च एक साथ डाल दी हूँ। और डाल के उसे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद उसमें नमक डाल दी थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद पानी डाल दी, और पानी डाल के उसमें मैं मैगी डाल दी थी और मैगी को उसी में पकने दी। और देखिए थोड़ा सा पानी को सोख लिया है मैगी, और अब उसमें ब्रोकली कट करके डाल दूंगी। प्रोटीन जो है पूरे के पूरे मैगी में चले जाए, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ होती है, आपका फाइबर रिच है, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6, इसमें तमाम तरह के प्रोटीन है। तो ये अगर किसी भी चीज़ में डल जाना, यानी सेहत में अमृत पा जाना, आपके पूरे दिनचर्या का जो भी आप जितना भी हार्डवर्क करते हो, जो भी करते हो, आपके ब्रेन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद इसमें मैगी मसाला ऐड कर दूंगी। तो आप ये देखिए 4 से 5 पीसेस गए हैं, और ये 4 से 5 पीसेस पूरे मैगी में विटामिन ही विटामिन डाल देंगे, तो इससे आपकी मैगी हेल्दी हो गई। लेकिन जैसे ही मैगी मसाला डलता है, वैसे ये चीज़ों को थोड़ा अनहेल्दी कर देता है। तो कोई बात नहीं, बस स्वाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ब्रोकली इज़ गुड फॉर हेल्थ। मैं तो ये कहता हूँ आप सुबह उठिए, बॉइल कीजिए, उसका पानी तक पी जाइए। लेकिन पानी पीना नॉट गुड, बिकॉज कहाँ से आ रहा है ब्रोकली हम नहीं जानते। तो ब्रोकली को खाइए, आप स्टीम करके ब्रोकली खा सकते हैं। ब्रोकली इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हेल्थ, योर स्टमक, योर डाइजेशन सिस्टम, योर इम्यूनिटी, एवरीथिंग विल बी इंक्रीज। और हाँ, यहाँ पर मैं मैगी को पानी थोड़ा सा सूखने के बाद ब्रोकली को ऐड की हूँ, क्योंकि ब्रोकली को कच्चा ही रखना था, ज़्यादा पकाना नहीं था, क्योंकि उसके प्रोटीन निकल जाते। इसलिए वही बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसके अंदर जितने विटामिन हैं ना, इतने शायद ही किसी भी सब्जियों में होंगे। ग्रीन वेजिटेबल आप खाइए, खूब खाइए,
कोशिश करिए टमाटर डेली खाइए, खीरा खाइए, अपने पेट को ठंडा रखिए। ब्रोकली का पानी तुरंत धो करके नहीं, लेकिन बॉईल करके ब्रोकली को उसका पानी पी सकते हैं। और मेरे नाश्ते तैयार हो गए, हम लोगों ने कर लिए और बहुत अच्छे बने थे। तो अब यहीं पर वीडियो को स्किप करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और थोड़ा भी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।